अभी हम लोगों ने ये चीज़ आम कर दिया है कि नहीं बस वो ईमान देखो, कलमा पढ़ रहा मुसलमान है, कर दो शादी, बाकी कुछ देखो ही मत। भाई अगर तीन चार लड़कों में एक लड़का है वही सिर्फ दीनदार है, बाकी सब निकम्मे हैं, सब बददीन है, सब बेनमाजी है, तो वहाँ तो यही है कि ठीक है उसी से शादी करना चाहिए क्योंकि वो दीनदार है। लेकिन अगर दीनदार कई हैं, सैकड़ों लोग दीनदार हैं आपके सामने, सैकड़ों लोग हैं नमाज पढ़ने वाले, उसमें अगर रिश्ते के लिए चुनना है तो अगर उनमें से कोई दीनदार भी है प्लस मालदार भी है तो उसको तरजीह देना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के हाथ में अपनी बेटी दे दो, ऐसा तो नहीं। तो अगर दीनदार लोग कई हैं तो उसमें भी इस अगर ये मुमकिन है हमसे जहां तक हो सके तो कोशिश यही करना चाहिए ताकि कल को मुश्किलात ना हो, परेशानी ना हो, कल को कोई दिक्कत ना आए। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम की हदीस है कि फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह अन्हा, इनको तलाक हुई तो इनके पास दो रिश्ते आए, एक अबू जहम रजी अल्लाह उनका रिश्ता और एक मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह उनका रिश्ता। ये मुआविया बिन अबी सुफियान, ये वही जो बाद में मुआविया बिन अबी सुफियान खलीफा बने हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा दो रिश्ते आए हैं, मैं किन से शादी करूँ, एक है मुआविया रजी अल्लाह उन और एक है अबू जहम रजी अल्लाह उन, दोनों सहाबी हैं, दीनदारी में कोई मसला था नहीं, दोनों दीनदार थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। और क्या कह के रिजेक्ट किया देखें, कहते हैं कि अम्मा अबू जहम फला यजो असाहु अन आतिकी, ये जो अबू जहम हैं जिन्होंने शादी के लिए रिश्ता भेजा है ये अपना डंडा अपने कंधे से नीचे नहीं उतारते, मतलब बहुत मारने वाले हैं, इनसे शादी कर लिया आपने तो खतरा है कि डंडा पड़ेगा है, खतरा है कि मार पड़ेगी, ये अच्छी बात नहीं कि शौहर मारने वाला हो, जो मारने वाला बहुत गुस्से वाला हो वो ऐसा भी ये भी पता करना चाहिए शादी करते हुए कि ये किस जहनीयत का है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला मारपीट करने वाला है तो खतरा है उससे शादी करना, भाई बच्ची को मार डालेगा वो। तो कहा कि ये कंधे पे कंधे से लाठी नहीं उतारते हैं, नहीं मारने वाले हैं, इसकी वजह से उनको रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। और कहा वो अम्मा मुआवियतु फसुलुकुन ला माला लहू, और ये जो दूसरे हैं मुआविया रजी अल्लाह अन्हु तो ये तो फ़कीर हैं, ला माला लहू, इनके पास माल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, ये तुम्हारी देखभाल कहाँ से करेंगे, तुम्हारा खर्चा भी तो उठाना, उनको इनके पास पैसा नहीं है। तो क्या कहा अन की ही ओसामा इब्न ज़ैद, एक तीसरा रिश्ता सेलेक्ट किया, सजेस्ट किया, इन दोनों को रिजेक्ट करके ओसामा बिन जैद को सजेस्ट किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा फातिमा क्या कहती हैं, कहती फकरीतुहु, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया, यानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया था, ये मुस्लिम के अल्फाज है, सही मुस्लिम के, कहती हैं फकरीतुहु, मुझे पसंद नहीं आया। बाज़ रवायात में है कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के घर वालों को भी पसंद नहीं आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रिश्ता सजेस्ट किया था वो ना फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को पसंद आया ना उनके घर वालों को पसंद आया, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया था इसलिए किसी ने रद्द नहीं किया, मान लिया उसको। लेकिन कहती हैं कि फनकहतु, मैंने शादी कर ली, फजअलल्लाहु फीहि खैरन, तो अल्लाह ताला ने उसी में खैर भलाई रख दी, और वग़्तुबितु बिही, और कहती हैं कि ऐसी भलाई मुझको नसीब हुई कि मुझ पर रश किया जाने लगा, दूसरी औरतें दूसरे घर वाले दूसरे लोग रश करते थे, कितना अच्छा रिश्ता मिल गया। तो ये होता है जब बड़ा आदमी सेलेक्ट करता है रिश्ता तो जो नया खून होता ना गर्म, उनको समझ में नहीं आता कि रिश्ता हमारे लिए अच्छा है, बच्चे बगावत कर बैठते हैं, लड़का सोचता है अरे यहाँ क्यों शादी करूँ, लड़की बोलती है अरे ये कैसे हमारे लिए, लेकिन बाद में हालात बताते हैं यही सबसे अच्छा रिश्ता था। इसलिए बड़ों का कहना मानना चाहिए, वालदेन से बगावत नहीं करना चाहिए, वालदेन तजर्बाकार होते हैं, अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, इसलिए वो अगर हमारा रिश्ता सेलेक्ट करें तो ये आज की जो नौजवान नस्ल है उनकी बोली नहीं बोलना चाहिए, यानी हम अपनी मर्जी चलाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सजेस्ट किया था बरवक्त उन्हें ठीक नहीं लगा, लेकिन बाद में खुद गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि दूसरे लोग रश करते थे, कितना बेहतरीन रिश्ता। बहरहाल यहाँ मैं आपको दिखाना ही चाहता था कि मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द कर दिया इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं। अच्छा ये भी आप देखें, मुआविया रजी अल्लाह का मामला ये हमेशा नहीं रहा है,
बाद में तो खलीफा बने, बहुत पैसा। वही मतलब अगर वाकयात आपको सुनाऊं तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। अब यहाँ पे आदमी ही सुन के ही मतलब सोचता है कि देखिए कितनी साहब ग्राम की कितनी गरीबी थी, ये हमेशा मामला नहीं था। बहरहाल ये मैं लड़के के ताल्लुक से मैंने मिसाल दिया कि शादी के वक्त ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे अगर दीनदार लोग हैं तो साथ में ये भी देखना चाहिए माली पोजिशन क्या। अगर वो मिल जाता, दीनदार के साथ मालदार भी मिल जाता तो अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर लोग कहते हैं तो कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे भाई, गरीब लोग कहाँ जाएंगे, तो मेहनत करें भाई। अगर ये फ़र्क आप गरीब लोग कहाँ जाएंगे, ये फ़र्क अगर ख़त्म कर देंगे तो क्या मतलब पूरी कौम ऐसे बैठी रहे हाथ पे हाथ धरे। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे तो उनके लिए क्या गरीब लोग नहीं है, और लोग नहीं है शादी करने के लिए। चलो कोई मालदार आदमी है, कोई बहुत मालदार बहुत पैसे वाला है, वो गरीब से शादी कर ले, बहुत पैसे वाला वो करे शादी, उसका भी भला है, उसका भी फ़ायदा पहुँचाए, यानी अपने माल से फ़ायदा पहुँचाए। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला बहुत पैसे वाले थे और शादी कर दिया ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला से, और फिर लाके गुलाम खड़ा कर दिया। देखा दीनदारी, देखा ना, यानी जन्नत की सर्टिफिकेट थी, माल नहीं था लेकिन एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि जन्नत की सर्टिफिकेट हाथ में है, तो लाके रिश्ता दे दिया और माली मदद किया। तो ऐसा कीजिए, अल्लाह ने आपको माल दिया तो गरीब आदमी अगर दीनदार है तो शादी कीजिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप भी मदद नहीं कर सकते, उसके बाद भी पैसा नहीं है, तो कैसे रिश्ता चलेगा, क्या हवा भी करेंगे वो लोग। और ऐसे ही ये सिर्फ लड़कों का मामला नहीं है, लड़कियों में भी, लड़कियों में भी उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़कियों जिनको कमाना नहीं होता उनसे शादी के वक्त भी देखा जाता था उनके पास कितना माल है। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है कि मदीना में जो साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला जिनका वाक्य अभी मैंने आपको सुनाया, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह उनको कह रहे थे कि आधा माल मेरा तुम ले लो, मदीना के सबसे मालदार आदमी थे वो। जब शहीद हो गए तो उनकी सिर्फ बेटियां थीं, तो उनके जो जायदाद थी वो सब कुछ ले लिया उनके भाई ने, बेटियों के लिए कुछ नहीं बचा। तो अब जाहिर है कि एक परिवार जो सबसे मालदार घराना माना जाता था और बाप के इंतकाल के बाद रोड पे आ गए, कुछ नहीं था, दिक्कत होगी, उनको परेशानी होगी। अब अगर उनके पास वो पहला पैसा जो पहले से था अब भी होता तो जाहिर है उस हिसाब से रिश्ते भी मजबूत आते उनके घर में। तो वो बेवा जो थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातान इब्न तसाद कि ये साद रज़िल्लाहु अन्हु की बेटियां हैं, इन अम्माहुमा अख़ज़ा मालहुमा कि इनके चचा ने सारा माल ले लिया है, अभी विरासत का कानून नहीं उतरा था इसलिए सिर्फ मर्द हिस्सा ले रहे थे, औरतें नहीं ले रही थी। तो ये बेवा शिकायत लेकर आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि पैसा तो बहुत था हमारे शौहर के पास लेकिन वो शहीद हो गए और सब कुछ ले लिया उनके भाई ने, कुछ नहीं बचा हमारे लिए। और एक जुमला कहा, वला तुन कहानी इल्ला वलहुमा माल, इन मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी जब तक इनके पास माल नहीं होगा। ये जुमला क्या है कि मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी अगर इनके पास माल नहीं होगा, क्या मतलब, ये जहेज मुराद नहीं है, उस जमाने में जहेज नहीं चलता था, और ये शादी के वक्त पैसा देना भी मुराद नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी यानी लड़की के साथ अगर प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी तो उसका वो स्टेटस नहीं होगा समाज में और उस लेवल का रिश्ता नहीं आएगा, ये मुराद है उनकी माँ के कहने का। जाहिर सी बात है कि सबसे मालदार घराने में ये लड़कियाँ पली बड़ी हैं, तो अब इनके हाथ से सब कुछ चला गया तो अब उस लेवल का रिश्ता तो नहीं आएगा ना। तो उनकी माँ कहना चाहती हैं कि अब माल नहीं है तो इनकी शादी कैसे होगी, शादी तो हो जाती लेकिन उस लेवल पर उस मेयार की शादी नहीं होती, वो स्टेटस नहीं रह जाता। तो देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि अरे पैसा देख के शादी करना है क्या, शादी के टाइम पैसा देखना चाहिए, ये नहीं बोला अल्लाह के नबी से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो जुमला था इस पर कोई गिरफ्त नहीं किया कि तुम गलत कह रही हो, पैसा देख के क्यों शादी होगी, ये बिल्कुल नहीं कहा। बल्कि उसी वक्त जिब्रील इस्लाम नाजिल हुए और विरासत की आयतें उतरी, इन बेटियों को 2/3 हिस्सा दिलाया गया, उनका जो स्टेटस खत्म कर दिया गया था उसको बहाल किया गया, वापस उनको वो स्टेटस दिलाया गया। तो मैंने लड़के की भी मिसाल भी दे दी कि लड़के से शादी करते वक्त माल की रियायत की गई और लड़की की भी मिसाल दे दी। हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मालदार से शादी करना, ये नहीं कहना चाहते, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं है कि दीनदारी देखो चाहे उसके पास एक पैसा ना हो। और दीनदारी भी क्या सिर्फ दीनदारी, अरे भाई दीनदारी एक आदमी नमाज पढ़ता, दूसरा भी तो नमाज पढ़ता, तीसरा भी पढ़ता, 10 हैं, 10 में अगर एक आदमी नमाजी भी है प्लस उसके पास पैसा भी है तो वो आपकी फैमिली, वो आपकी बच्ची को अच्छी तरह से रख सकता है, दीनदार भी है पैसा भी, वरना वो परेशान हो जाएगा। और सिर्फ लड़कियों का मसला नहीं, लड़के को भी तो इजाज़त नहीं ना शादी करने की। सही बुखारी की हदीस है, या माशर शहबाब मन इस्तता मिनकुम लिबात फलयतज़व्वज, तुम में से जो शादी की ताकत रखे वही शादी करे, ताकत नहीं है तो शादी ना करे।
ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये दूसरा कदम हमको उठाना चाहिए ताकि कल को अगर ऐसी आफत आती है कि लड़की बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो अगर ये चीज़ पहले से देख रखेंगे, माली एतबार से मजबूत होगी फैमिली, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, हम ये नहीं देखते हैं कि जिस लड़के से शादी कर रहे हैं उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। कभी कभी देखते हैं कि उसके अब्बा के पास करोड़ों है और लड़के के आदमी कुछ भी नहीं, उसके पास अब्बा के पास करोड़ों है, वो देख के शादी कर दिए, करोड़ों देख के शादी किया। अब हुआ क्या कि उसका एक्सीडेंट हो गया लड़के का, मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए, एक्सीडेंट हो गया, बाप की ज़िंदगी मर गया। अब बाप की ज़िंदगी मर गया तो उसका हिस्सा ख़त्म, तो जो करोड़ों था उसके अब्बा का वो तो नहीं मिलने वाला इसको। तो अब वो रोती फैमिली, अरे क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो किसका पैसा देख के शादी किया था, इसके अब्बा का, इसका नहीं, जब शादी किया था इसके पास कुछ नहीं था, तो अब रोना किस बात का है। अब रोड पर आ गए, यतीम हो गए बच्चे, परेशान हो गए, अब सब्र करो, पैसा क्यों छीन लो दूसरे का, तुम्हारा हक नहीं उसमें। तो ये मामला है कि देखते वक्त ये नहीं देखा कि बच्चा किस पोजीशन, बस उस बच्चे के बाप की प्रॉपर्टी देखा, कुछ और देखा, इत्तेफाक से मिला ही नहीं। देखना चाहिए करंट इस वक्त बच्चे के हाथ में क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो खिला सकता है, पाल सकता है कि नहीं, दूसरों के सारे नहीं, दूसरों की दौलत पर निगाह नहीं रखना चाहिए, जो अभी मिला ही नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मामला है, ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्योंकि हमने शादी के वक्त ये नहीं देखा कि इसके पास कितना है, शादी के वक्त देखा कि इसके अब्बा के पास कितना है, वो नहीं मिला उसको, तो बाद में फैमिली परेशानी में आ गई। तो शादी के वक्त जहाँ दीनदारी देखना चाहिए, वहीं ये भी देखना चाहिए कि उसकी पोजीशन क्या है, बच्चों को ठीक ढंग से रख सकता कि नहीं, कल को कोई हादसा होता, कोई बात होती तो क्या मामला रहेगा, सपोर्ट कितना रहेगा फैमिली का, ये भी देखना चाहिए।